Emi! Passo, passo. तो सीन ये है कि दूध ना मम्मी ने रखा हुआ था और उबलने ही वाला था, लेकिन अभी मैं मम्मी को डराऊंगा कि मम्मी दूध उबल गया, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। मम्मी आपने दूध रखा था? उबल गया पूरा? कब से रखा हुआ था? मेरे को पता है, मैं अभी देख जाओ उसको देखो, पतीला पूरा खाली। झूठ, जाओ मैं कम गैस करके आई हूँ। हाँ जाओ देख लो, सच्ची बताओ। हाँ मजाक कर रहा हूँ, ध्यान रहता है? नहीं कोई ध्यान नहीं है आपको। नमस्ते। हाँ नमस्ते। ओके चक्कर, तो अभी हम जा रहे हैं राहुल के घर क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर आए हुए हैं, आज खेती होगी। तो राहुल के घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन एक चीज दिखाऊं, सरप्राइज है। चलिए शुरू करते हैं। राहुल ने दाढ़ी कटवा ली यार। और बताओ फिर कैसा लग रहा हूँ? इमरान हाशमी बनना जरूरी था। तो ये देखो ट्रैक्टर से खेत पूरा जोत रहे हैं। लड़के को देख यार, कितना सा लड़का है, लेकिन ट्रैक्टर ऐसे घुमा रहा है जैसे गैंगस्टर मैन। मेरा मन तो है ट्रैक्टर के ऊपर बैठने का, पर ये जो लड़का है बड़ी हैवी ड्राइविंग कर रहा है यार, ये डरा रहा है। वो देख कैसे ऊपर ही चढ़ गया है, ऐसे थोड़े ना होता है राहुल यार। तो ये खेत कर दिया। तो जी अभी मैं ट्रैक्टर की राइड लेने जा रहा हूँ। इतना तो ना आ गया तेरा मक्खन। मक्खन लाल जी आस्ते चलायो, ठीक है? नहीं यार चढ़ के नहीं दे यारा। यार ये चढ़ के दे रहा है। मैंने देखो कैसे पकड़ा हुआ है अपने हाथ। तुझे सुन चुपी है तेरे दिल में ऐसी कोई धुन, चुपके से कोई भी सरगोशी हो, जागो तो फिर भी खामोशी हो, ना होगा कोई बास, एक होगी आस, याद आएगी वो बात, थामो जो कोई हार, मैं याद आऊंगा। व्हाट अ मॉर्निंग यार, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी हर सुबह ऐसे ही हो यार, ट्रैक्टर के ऊपर गेड़ियां और फिर बड़के छड़के। जिंदगी का असली मजा ना ट्रैक्टर पे ही है, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, प्लीज अपने पेरेंट्स से जिद ना करें कि ट्रैक्टर के ऊपर घूमना, इट्स वेरी डेंजरस। उनसे ये जिद करें कि ट्रैक्टर लेके दो। हाँ ट्रैक्टर लेके दो, लेकिन बड़े होके, लेकिन अभी छोटे होते जिद नहीं करना कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठना, ट्रैक्टर के पापा वो भी तो बैठते हैं, मैंने भी बैठना है। मेरी उम्र और आपकी उम्र में बहुत फर्क है, मैं बहुत चीजें बहुत संभल के करता हूँ, आप ऐसा ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के, एक हाथ जोड़ के, ठीक है? ओके थैंक यू। ट्रैक्टर के ऊपर गुड बॉय। ये जो पेड़ है अगर इसके आप फूल और पत्तियां खाएं तो आपको शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। और हमारे पावलो जी सोते रहते हैं, क्या ऊ गया। गुड बॉय पावलो। तो जी अभी हम राहुल की दीदी के घर जा रहे हैं, अभी मैं इधर उधमपुर वाले रास्ते पे हूँ, तो अभी चलते हैं पहले दीदी के घर पे, फिर वहाँ जाके बताता हूँ कि क्या काम है। आँखों में बस जाओ ना, दिल को मिले कुछ सुख, ठंड नहीं लग रही है ना। कशियों में क्यों घूम रहा है? ठंड नहीं लग रही है? हाय बोल दे। हाय। तो अभी हम पहुंच गए दीदी के घर पे और मैं अमित लेके जाएंगे तितली को और नक्श को अपने साथ में, और अमित यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। अभी हम मिलते हैं आपको सीधा गोलगप्पे वाले के पास, क्योंकि गोलगप्पे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो जी आ चुके हैं, अभी गोलगप्पे खाएंगे यहाँ पे। खाओ खाओ आराम से खाओ। मैं याद आऊंगा। ये काजू कतली बहुत टेस्टी है। पबजी खेल रहा है? ओ भाई तू क्या रोडीज बनेगा यार, तू एक पबजी गेम यार। सभी रोज अकेले ने हम दोनों को मार दिया। सैड लाइफ, मतलब पूरे टाइम तुम सामान उठाते हो और एंड में जाके मर के आ जाते हो, खत्म, किसी और को सामान दे दे, बस यही है तुम्हारा। भैया अभी ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन भैया यार आई वांट टू से समथिंग। लाइक एक होता ना कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब लाइफ में क्या करना है। बेसिकली ये होता है लाइक आफ्टर 12th आई थिंक, आफ्टर 12th एक फटा आता है बड़ा वाला। डू यू वांट टू से समथिंग टू द पीपल जो ऐसे कंफ्यूज हैं? या लाइक मैं ये मानता हूँ प्लान की हुई चीजें बहुत कम लोगों के साथ होती है लाइफ में। फॉर एग्जांपल मेरे को ही देख ले, 12th तक कर लिया, चल ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की, पास वास होके चले गए,
बाहर गए पढ़ने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग करने गया था कि जम्मू आके जॉब करूंगा, बट आईटी में जॉब करनी पड़ी और पुणे में जॉब करने लग गया, सोचा था जम्मू आऊंगा, और अब पुणे में जॉब करते करते देखा भी जम्मू बैठा हूँ 1.5 साल से। मतलब एट द एंड ये है कि जो तुमने प्लान किया है वो वैसा होगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो गो विद द फ्लो, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो टेंशन नहीं लेनी है, टाइम निकाल के थोड़ा अपने लिए स्ट्रिक्ट रहो बीच बीच में, बाकी इंजॉय करो यार, लाइफ फुली इंजॉय करने वाली होती है, और वो चीज हमें तब समझ में आती है जब हम उसको मिस कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम उस टाइम को खो देते हैं, तब हमें लगता है कि हमें मजे करने चाहिए थे। लेकिन यार ये तू फ्लैश क्यों ऑन कर रहा है, तू फ्लैश बहुत ऑन करता है, बहुत दिन हो चुके हैं सेल्फी। तो मम्मी अभी फुलके बना रही हैं, लेकिन आज मम्मी एक फुलका मैंने बनाना है, मेरी वीडियो बनाओ। नहीं 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 छोड़ो आप, मुझे वो देखने दो, मैं आपका फुलका बना रहा हूँ, मेरी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। हाँ। अभी बस बस लो जी फुलका हमारा रेडी हो चुका है और ये मम्मी खाएगी, ठीक है, बुड्ढे तो होते थोड़ी पड़ते मम्मी आप ऐसी कर रही हो ना छोटे बेटे की लेकिन फिर भी आपके बूढ़े तोते ना एक फुलका बना दिया आज, ठीक है। देखो एक कौन खाएगा आप मुझे कुछ मैसेजेस आए कि हम डिप्रेशन में थे लेकिन आपके व्लॉग्स देख के वी रियली फेल्ट गुड, सो आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 29,000 सब्सक्राइबर हो गई है, थैंक यू सो मच यार। मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि लाइफ का कुछ पता नहीं है यार कि कल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कल क्या हो जाएगा उसकी टेंशन मत लो, उसको अच्छे से प्लान करो कि कल अच्छे से ये करना है। मैं अभी तुम सोचो कि अगर मैं सुबह उठ के आज ट्रैक्टर पे नहीं जाता या मैं आज राहुल के साथ उसकी दीदी के घर नहीं जाता तो तुम ये व्लॉग देख पाते नहीं ना, तो यू हैव टू प्लान कि कैसे क्या करना है, घबराना नहीं है कि कल क्या हो जाएगा वो नहीं करना है, सिर्फ उसको अच्छे से प्लान करना है। और अगर तुम प्लान नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे घर वाले बाहर ही बैठे हैं, जाओ उनसे बात करो, सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू गेट अप ऑफ योर बेड, कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो यार, अपने दिन को अच्छा बनाओ। और इसी के साथ अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, और मैं मिलता हूं तुमको कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, जय माता दी। वे आके बजा खोल मेरे बल दों से ही, कंजू मेरे रुल दोने दिल ना करी, वे आके बजा खोल मेरे बल दों से ही। वीडियो ही नहीं बनी है कसम से, मैं तेरे कोने में लगी है मेरे को, अगर वीडियो नहीं बनी सच बताया, सच में नहीं बनी भाई यार, ऐसे मत कर।